विधानसभा उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस की जीत। नतीजों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने शिमला में निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ये देहरा की जनता की जीत है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगी। देहरा विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बोली कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर। बागदा विधानसभा उपचुनाव में 13 साल बाद टीएमसी की जीत। रानाघाट दक्षिण सीट से भी टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी जीते। जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 वोट से जीते। बीजेपी के शीतल अंगुराल को हराया। जालंधर वह सीट पर आपके मोहिंदर भगत की जीत पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई खुशी। कहा पंजाब की जनता को भगवत मान का काम पसंद आ रहा है। जालंधर पश्चिम सीट पर आपकी जीत पर बोले पार्टी के सांसद संदीप पाठक। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रख सकती है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले सीएम सुक्खू, जिस प्रकार हिमाचल में खरीद फरोख्त हुई थी उसका जवाब जनता ने दे दिया है। देहरा की जनता का बहुत आभार। उपचुनाव के नतीजों पर खुशी जताते हुए हरीश रावत बोले जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा के नतीजे कुछ और होते। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेल शुरू हो गया है। दिल्ली में मोदी सरकार लंबे वक्त तक नहीं रहेगी, ईडी गठबंधन सरकार बनाएगी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा का जेडीयू ने किया स्वागत। केसी त्यागी ने कहा 1975 में 25 जून को लागू इमरजेंसी भारत के इतिहास का काला दिन। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के फैसले को ओपी राजभर ने सही बताया। कहा संविधान की अवहेलना करके लाखों लोगों को जेल में डालना संविधान की हत्या ही हुई। संविधान हत्या दिवस की घोषणा होने पर बोली प्रियंका गांधी, जिन्होंने संविधान लागू होने का विरोध किया, संविधान की आत्मा पर प्रहार किया, वे लोग तो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे ही, इसमें आश्चर्य कैसा। संविधान हत्या दिवस की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वही लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान की रक्षा के संकल्प दोहरा रहे हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र के ऐलान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, संविधान की रक्षा के स्वांग रचने वाले बहुरूपियों को बहुत वेदना हो गई है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर बोले संजय राउत, सरकार के पास काम करने को है कुछ नहीं, अब लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं। एमएचए ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया। उपराज्यपाल को मिलेंगी अधिक शक्तियां, प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल की सहमति होगी जरूरी। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल, बोले संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक। यूपी में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक रामेश चंद्र मिश्रा बोले अभी हमारी बीजेपी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है, 2027 में हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं। जौनपुर के बदलापुर से विधायक है रमेश चंद्र, बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा की सफाई। कहा मैंने जो वीडियो में कहा वो लोगों से औपचारिक बातचीत थी, मेरे कई काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में मेरे क्षेत्र में पार्टी हारी, इसका दंश है मुझे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। केजरीवाल को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह, जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा, ये गंभीर बीमारी का संकेत, 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से कम हुआ। तेलंगाना में बीआरएस को ताबड़तोड़ 2 बड़े झटके, विधायक अरेकापुरी गांधी कांग्रेस में हुए शामिल, इसके पहले विधायक प्रकाश कौर ने की थी कांग्रेस ज्वाइन। ओडिशा के मोहन मांझी सरकार के 1 महीने पूरे, डिप्टी सीएम केवी सिंह देव बोले घोषणा पत्र के कई वादे पूरे, कई पर काम जारी। स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी के भी खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को कोर्ट ने 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा, वाल्मीकि कोऑपरेशन घोटाले के मामले में ईडी ने किया था अरेस्ट। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, मुख्यमंत्री योगी बोले वकीलों के लिए लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरना बड़ी चुनौती। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए एमपी सीएम मोहन यादव बोले एमपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है, क्षेत्र में हमारे यहां संभावनाएं, सरकार व्यापारियों का स्वागत करती है। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने पौधारोपण का किया आयोजन, 17,000 पेड़ लगाने का कार्यक्रम। अंकलेश्वर इंटरव्यू मामले पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, कांग्रेस गलत दावा कर रही है, होटल में निकली भर्ती के लिए नहीं, केमिकल कंपनी में निकली भर्ती के लिए इंटरव्यू था। यूपी में 10 IPS अफसरों के तबादले, जालौन सहित कई जिलों में SP बदले गए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन, सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के जवानों ने दिखाए हैं तिरंगे करतब। श्रीलंका के त्रिकोमाली में रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रदर्शिका समुद्री बोर्डिंग एक्सरसाइज, कोस्ट गार्ड की कमांडर प्रीति पोसवाल और कमांडर आशा दहिया भी शामिल। दिल्ली में जीवंत गांव कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया, इंडेक्स में परफॉर्मर में फ्रंट रनर बना उत्तर प्रदेश, भारत के समग्र स्कोर के करीब पहुंचा यूपी का समग्र स्कोर। विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर हरियाणा के नारनौल में कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी की स्काई डाइविंग। बिहार के लखीसराय में शहीद CRPF सब इंस्पेक्टर की बहन की शादी में
बन जवानों ने निभाई रस्में, कई उपहार भी दिए। 2019 में नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेते शहीद हुए थे रोशन कुमार। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माणों पर आज से कार्रवाई। डीडीए ने मजनू कटीला इलाके में चलाया बुलडोजर। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक में टक्कर, 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना से मारपीट के बाद राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत गिरफ्तार। मारपीट में मकराना अस्पताल में भर्ती। डीसीपी अमित बूनिया बोले, अभी तक 8 लोग अरेस्ट। अगरतला रेलवे स्टेशन से 7 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने का आरोप। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सोनीपत में एनकाउंटर के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर्स ढेर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को 3 अपराधियों को घेरा। रोकने पर 3 शूटर्स ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आशीष लालू की छोटा और सनी गुज्जर हुए ढेर। 18 जून को बर्गर किंग हत्याकांड के बाद से फरार थे 3 अपराधी। वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय के हॉस्टल की छत का एक हिस्सा गिरने से छात्र घायल। बड़ी संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रार का किया घेरा। टोल नाके पर युवक को कमरे में ले जाकर कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर टोल प्लाजा का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने जांच के आदेश दिए। नागपुर स्टेशन से 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। अमरावती के पुसाला गांव से पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ा। देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के बक्से किए जब्त। 5 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ कर रहे हैं बक्सों की जांच। अभी तक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नहीं हुई है पुष्टि। तमिलनाडु के अचरापक्कम में खड़ी कार में लगी अचानक आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पत्नी पर टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। IAS पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें। बड़ी पिस्टल लहराते हुए वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। पिस्टल दिखाकर किसानों को धमका रही थी मनोरमा। भारी बारिश के बाद रोहतास के तुथला भवानी धाम में बाढ़, कई लोग फंसे। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई में रात से बारिश जारी। ईस्टर्न एक्सप्रेस से हाईवे पर सुबह से तेज बारिश। रात से हो रही बारिश के कारण नवी मुंबई में अंडरपास में पानी भरा। बारिश से जगह जगह ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बारिश, तराई काले खां इलाके में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी के कई जिलों में तेज बारिश, राजधानी लखनऊ में भी बरसा जमकर पानी। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर, नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित हुआ पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक, प्रशासन ने किया मरम्मत का काम। भारी बारिश के 4 दिन बाद भी शाहजहांपुर में बाढ़ जैसे हालात। बरेली मोड़ के हालात अभी भी भयावह। अभी भी अस्पताल ऑफिस से लेकर स्कूलों तक में पानी भरा। हरदोई और सिद्धार्थनगर के हाल भी बेहाल। हरदोई में गर्रा नदी तो सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत खलिहान घर मकान डूबे। आने जाने के लिए लोगों को नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। असम में 9 नदियां डेंजर जोन से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी बढ़ने से दहशत में लोग। असम में बाढ़ की चपेट में आने से 7 और लोगों की मौत। अब तक कुल 90 लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। केरल के कई जिलों में बारिश, राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी रात से बारिश जारी। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से बहाल, लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हुई थी रोड। भोपाल में भारी बारिश से सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल, आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ा। प्रयागराज में भारी बारिश से बड़े सब्जियों के दाम, 100 रुपए किलो हुआ टमाटर, आम आदमी की जेब पर पड़ा असर। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान दिख रही है कड़ी सुरक्षा, मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पार्टी नेताओं के साथ इस्कॉन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रामेश्वरम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नंदन सिंह, रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 2 हफ्ते की गिरावट के बाद जबरदस्त उछाल, 5 अरब 16 करोड़ की बढ़त दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 657 अरब 16 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 5 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने रविवार की शाम तक बहुमत साबित करने की समय सीमा दी है। पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। 275 मेंबर वाले सदन में विश्वास मत के पक्ष में 63 और विरोध में 194 वोट पड़ने के बाद पद से दिया इस्तीफा। केपी शर्मा की 78 सीट वाली कम्युनिस्ट पार्टी को मिला नेपाली कांग्रेस के 89 सांसदों का समर्थन। नेपाली संसद में बहुमत के लिए 138 वोट की जरूरत है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान हादसे का हुआ शिकार। विमान में सवार सभी 3 पायलट की मौके पर हुई मौत।
यात्री विमान मरम्मत के बाद मॉस्को लौट रहा था। इंजन फेल होने से मॉस्को से 90 किलोमीटर दूर कोलोमना में क्रैश हुआ। पाकिस्तान की कराची में रह रहे अफगान ने सरकार से की नागरिकता की मांग। 3 दशक से ज्यादा कराची में बसा है अफगान समुदाय। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान पर हमला जारी। सीमावर्ती इलाकों पर की जबरदस्त शेलिंग और एयर स्ट्राइक। इसराइल का दावा, हिजबुल्ला के ठिकानों को किया गया टारगेट। हिजबुल्ला ने गाजा में सीज फायर होने तक लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। गाजा के तल अल हवा में दिखे तबाही के निशान। इजरायली हमले और बमबारी के बाद हर तरफ इमारतों के मलबे बिखरे। तल अल हवा में कार्रवाई के बाद वापस लौटी इजरायली सेना। इमारतों के मलबों से अब तक कई शवों को निकाला गया। गाजा पर इजरायली हमले के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों को खाने पीने की किल्लत। खान यूनिस में पीने के पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं लोग। इसराइल के अबू घोश में बंधकों के रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार से बंधकों को जल्द रिहा करवाने की मांग की। अमेरिका के एरिजोना में जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके, कम से कम 9 मकान हुए खाक। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मुक्केबाज लवलीना को पेरिस ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बातचीत। अभी जर्मनी में ट्रेनिंग ले रही है लवलीना। भारत 26 जुलाई से करेगा श्रीलंका दौरे की शुरुआत। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों की होगी सीरीज। श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए जल्द होगा टीम का ऐलान। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में चुनी जाएगी टीम। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम को इसी हफ्ते होगा ऐलान। T20 के लिए चुनी जाएगी एक मजबूत टीम। टीम इंडिया के कोच ने BCCI को दी सलाह। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मोर्ने मोक्ष को बनाया जाए गेंदबाजी कोच। BCCI ने गेंदबाजी कोच को लेकर पहले ही ठुकरा चुका है गौतम गंभीर की सलाह। पहले विनय कुमार को गेंदबाजी कोच बनाने की दी थी सलाह। BVS लक्ष्मण का भारत की T20 विश्व कप जीतने पर बयान। कहा रोहित शर्मा, विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी सौंपकर जिस अंदाज में जश्न मनाया वो काबिल तारीफ। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के फाइनल में पहुंचा भारत। पाकिस्तान चैंपियन से फाइनल में होगी भिड़ंत। एस्बेस्टन में रात 9 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 255 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 168 रन ही बना सकी। करियर के आखिरी टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने 4 विकेट छटके। अपने टेस्ट करियर में एंडरसन ने 704 विकेट छटके। इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास। 1934 के बाद पहली बार इंग्लैंड के किसी क्रिकेटर ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 5 विकेट हासिल किया। एटकिंसन के शानदार प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। एटकिंसन ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 5 विकेट छटके। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जेम्स एंडरसन के रिटायरमेंट पर किया ट्वीट। सचिन ने लिखा, 22 साल से आप क्रिकेट फैंस का दिल जीत रहे हैं। आपको गेंदबाजी करते देखना अच्छा लगता था।